19 का दावा और 2024 के दावा में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार की जनता ने देखा है 17 साल और 17 महीने में और 70 दिन में क्या काम हुआ। देखिए, हम नीतीश कुमार पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन बिहार में लगेगा। बड़े हैं उम्र में जीतन अम्मान जी, उनका कितना बड़ा अपमान किया था, क्या बोला था, ये तो मेरी मूर्खता है जो तुमको हम मुख्यमंत्री बना दिए। यहाँ फ्लोर टेस्ट के डर से जो है वहाँ पे अब सेटिंग दिल्ली में कर रहे हैं। राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोग वहाँ दिल्ली में पड़े हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। अपना वो ख्याल करे, इस बार जो है ना भाजपा ही जदयू के साथ खेला करने वाला है। चाचा का लाइल डायरी का वो ये हो गया, ईडी और सीडी का जो खेला खेल रहा है लोकतंत्र में, ईडी और सीडी, कभी इसको पकड़ो कभी। बिहार में नई सरकार बन गई है लेकिन विपक्ष में जो महागठबंधन और आरजेडी है वो लगातार ये दावे कर रही है कि खेल अभी बाकी है और 12 फरवरी को जो फ्लोर टेस्ट होना है उस दिन वो खेल देखने को मिलेगा। इसके आगे आप देखिए कि जो रोहिणी आचार्य है, लालू परिवार की बेटी है, उन्होंने एक ट्वीट भी कर दिया है कि जेडीयू के 17 विधायक गायब है और कांग्रेस ने भी अपने सारे विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया है। हम तमाम चीज़ों पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं। बात बताइए कि खेला कैसा होता है, खेला तो हो गया है बिहार में, अब आप लोग किस खेले का दावा कर रहे हैं? खेला का मतलब यहाँ बहुत सामने वाले समझ रहे हैं कि खेला का मतलब है क्या, क्योंकि हम लोग धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग तो लालूवादी विचारधारा के लोग हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा के लोग हैं। हम लोग खेला, हमारे खेला में लोग आते हैं, हम लोग खेला करने वाले नहीं हैं। बाकी लोग जो रहते हैं, अभी कुछ हाल में ही आपने देखा कि कैसे नीतीश चाचा अपना कभी इधर कभी उधर कभी इधर, क्या कोई औचित्य तो नहीं था? राज्य में विकास हो रहा था, हर क्षेत्र में रोजगार हो रहा था, लेकिन इसके बाद क्या रीजन था? पटना में कहीं लाल डायरी तो नहीं थी? लाल डायरी के कारण तो नहीं इस तरह का घटना हुआ कि अचानक नीतीश कुमार लाल डायरी के? हो सकता है, क्योंकि जब राज्य में सब कुछ विकास हो रहा है, राज्य के अंदर सारा कुछ सही ढंग से चल रहा है, रोजगार मिल रहा है, युवा खुश हैं, और अब आगे और रोजगार, 5 लाख और रोजगार की बात हो रही थी, तो अचानक ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिनको विकास अच्छा नहीं लगता है? किसी दबाव में ही विकास अच्छा नहीं लगा होगा। हम लोग खेला नहीं कर रहे हैं। किसके पास है? हमारे पास है। कैसे है? हमारे पास इस कारण से है क्योंकि उनके खेमे के लोग नाराज हैं उनसे। और आपको ये हम बता देते हैं कि सरकार गिरने का कई सारे तरीका होता है, उनके लोग नाखुश हैं, वो सरकार में उस बहुमत के दिन अगर उपस्थित नहीं हुए तो सरकार ऑटोमेटिक गिर जाएगी, अल्पमत में आ जाएगी। तो सर, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार ये सब सोचे नहीं होंगे कि हमारे विधायकों को हम अपने संपर्क में रखें? वो तो 9-10 लोग का जो मोबाइल बंद है इसमें ही इतना में ही वो टेंशन में चल रहे हैं। अब बीमार हो तो भी टेंशन में है, जिनके मन में खोट होता है ना उनके मन में टेंशन होता है, कहीं हम ही तो गलत नहीं है? इसी का खेला कौन करेगा, क्या लगता है खेला कौन? संयम बना के रखिए। 11 को कह रही है कि खेला जो होना था वो हो गया, खेला करने में नीतीश कुमार एक्सपर्ट है, आप लोग नहीं? आखिर तारीख पर तारीख क्यों? चीफ मिनिस्टर दिल्ली में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली में, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर का को दिल्ली में, अमित शाह से मुलाकात हो रही है, राजनाथ सिंह से मुलाकात होगी, आखिर घबराहट क्यों? जब इतना बहुमत है तो घबराहट क्यों? पैकेज मांगने गए हैं। आखिर अरे इससे पहले पैकेज कितना बार दिया है? 17 साल हो रहा है, उससे पहले तो उसी का सरकार थी ना गठबंधन में, उस टाइम पैकेज का याद नहीं आया था? अभी चाचा को पैकेज का याद आया, चाचा का लाइल डायरी का वो ये हो गया, ईडी और सीडी का जो खेला खेल रहा है लोकतंत्र में, ईडी और सीडी, कभी इसको पकड़ो कभी उसको पकड़ो, दबाव बनाओ, मेरा आदरणीय गरीबों का मसीहा लालू जी को परेशान किया हो, उसके बाद तेजस्वी जी को, मेरा नेता को परेशान किया, सोचा ये घटनाओं में आ जाओ और मेरे साथ कंप्रोमाइज करें, लेकिन हम लोग ऐसा करने वाले नहीं हैं। राजद के लोग वो लोग लालूवादी है, लालूवादी कभी झुकेगा नहीं। बीजेपी और जेडीयू कह रही है कि आप लोग अपने विधायकों को दिलासा दे रहे हैं ये कह के कि जेडीयू के विधायक गायब है, कि हमारे विधायक कहीं नहीं भाग। अरे हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग में पूरा धैर्य और ईमानदारी है, हम लोग निष्ठा से काम करने वाले हैं, हमारे विधायक जो है पूरा निष्ठा से हमारे साथ है। अपना ना ख्याल करे, यहाँ फ्लोर टेस्ट के डर से जो है वहाँ पे अब सेटिंग दिल्ली में कर रहे हैं। राज्यपाल क्या है, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोग वहाँ दिल्ली में पड़े हुए हैं, धरना दिए हुए हैं। अपना वो ख्याल करे, इस बार जो है ना भाजपा ही जदयू के साथ खेला करने वाला है, भाजपा ही जदयू के साथ खेला करने वाला है, इसलिए
क्योंकि उन्होंने उनका भी तो अपमान किया है नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार में तो नैतिकता है नहीं, नीतीश कुमार तो अपनी नैतिकता खो चुका है, उनके साथ भी अपमान किया है। इस बार जो है वो चाह रहा है तो इससे बदला लिया जाए, और वो फ्लोर टेस्ट में फेल होगा और वो भाजपा चाह रही है तो फिर से हम जो है चुनाव करवावें। इसलिए हम लोग इसके लिए भी तैयार है, अगर चुनाव भी होता है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार है। इस बार भाजपा ही नहीं जदयू के साथ खेला करने वाला, और जदयू के पार्टी को खुद में विलय करवा लेगा। ऐसा भी होगा, नीतीश कुमार को कम, नीतीश कुमार को कम क्या, नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का कोई जनाधार थोड़ा ना है, अकेला चुनाव लड़के देख ले, 10-20 सीट आएगा उसको, पांचों। नीतीश कुमार जब आप लोग के साथ थे तब ये सब बारी कहा थे? हमारे साथ थे। नीतीश कुमार थक चुके हैं, क्या बयान आया हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का कि नीतीश जी थक चुके हैं। वो तो लगातार थके हुए लोगों से हम काम करवा रहे थे, और आपने देखा कि ऐतिहासिक काम, जो काम 3 वर्षों से अधिक बीजेपी के साथ रहने पर नहीं किया, मात्र 17 माह में। क्या 1 लाख बहाली करके दिया क्या जनता को? नहीं दिया, सारा श्रेय डायरेक्ट तौर पर तेजस्वी को जाता है, क्योंकि यह सभी कमिटमेंट जनता से। क्या कह रहे कि बौखलाए हुए हैं आप लोग, सत्ता में नहीं है इस वजह से बौखलाए हुए हैं? हम लोग बौखलाए हुए हैं, हम लोग समुन्दर की तरह शांत हैं। तेजस्वी जी का आप देख लीजिए, एक भी फिजूल का बयान नहीं आ रहा है। बौखलाए हुए कौन है? सीएम साहब कहाँ है? सीएम साहब, अरे डर में जो है वो देखिए, सीएम साहब कहाँ है? डिप्टी सीएम कहाँ गए? दोनों मंत्रालय का काहे नहीं विस्तार हुआ भाई? मंत्रालय का विस्तार क्यों नहीं हुआ? डेट क्यों बढ़ा फ्लोर टेस्ट का? हम बढ़ाए तो बेचैनी फैक्ट पर। राज्यपाल तो कैसे राज्यपाल नहीं थे? साजिश के तहत राज्यपाल को यहाँ से भगाया, यहाँ से बाहर भेजा गया। नई सरकार का गठन होता है तो समय तो लगता है मंत्री मंत्रालय को। हाँ, समय नहीं लगता है इतना। आप देख लीजिए मांझी साहब का क्या बयान आ रहा है, कहीं कोई कोऑर्डिनेशन उन लोगों में नहीं है। फिर से हम आपको मना लेंगे, मांझी जी हमारे हैं भैया, मेरे कौन आपके लिखे हुए हैं? मांझी जी आप तो कितना किए, आप किसी का अपमान करने से छोड़े हैं? ट्वीट किए हैं, उनके बेटे बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। अरे उनके बेटे को तो हम MLC बनाए हैं, हम बनाए MLC, उसके बेटे को तो लात मार के नीतीश कुमार भगा दिया था। नीतीश कुमार जो है बड़े हैं उम्र में जीतनराम मांझी, उनका कितना बड़ा अपमान किया था, क्या बोला था, ये तो मेरी मूर्खता है जो तुमको हम मुख्यमंत्री बना दिए। उस वक्त कौन चुप, हम लोग उनके सहमति नहीं दिए थे नीतीश कुमार जी को, उस समय भी हम लोगों ने उनका विरोध हम नहीं किए, लेकिन हम सहमति भी नहीं दिए। हम लोग असहमत थे इस बात से, क्योंकि इतने बड़े नेता देश के राज्य के मुख्यमंत्री रहे और उसका अपमान, यह हम लोग बर्दाश्त नहीं। हमारे साथ है तो सही है, हमारे साथ नहीं है तो गलत हो गए। क्या चीज के बारे में? नीतीश कुमार, देखिए हम नीतीश कुमार पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि अब राष्ट्रपति शासन बिहार में लगेगा। अब राष्ट्रपति शासन, हाँ, कभी भी लग सकता है, क्योंकि अब BJP भी नीतीश कुमार को नकार दिया है। अब लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, जब हम बोल दिए ना कि अब केंद्रीय भी नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ रहना नहीं अब चाह रहा है, अब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा और कभी भी चुनाव हो सकता है। राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिएगा, राष्ट्रपति शासन लागू होगा जी बिहार में, हो सकता है? हो सकता है, हो सकता। कैसे कर दीजिएगा? होबे करेगा ना, ये तो बिहार का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री है, हम क्या कहें आपको, देश के सबसे पलटू नाम में होगा। चाचा थे, कैसे बोल रहे हैं? ग्रीन बुक में इसका नाम लिखा जाएगा पलटू। अभी के लिए चाचा थे। चाचा के बारे में अब आप लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि पलटू राम हो गया, बताइए अच्छा लगता है? हम लोग बात नहीं कर रहे हैं चाचा के बारे में, पूरा देश बात कर रहा है कि उनका जो तौर तरीका राजनीति करने का है तो उससे वो प्रचारित हो गए हैं, और कि ये केवल व्यक्तिगत हम लोगों का माने नारा नहीं है, देश का नारा बन गया है कि पलटू राम, जैसे आप सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आ जाएगा, जिसका जो होगा उसका नाम आ जाएगा, जो होगा उसका नाम आ जाएगा। लेकिन आपके साथ थे तो अच्छे थे, अब पलटू हो गया। वो तो सब जिसके साथ रहते हैं अच्छे रहते हैं, लेकिन उनका जो आचरण राजनीति में आप देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र के राजनीति में अगर इनका जो राजनीतिक आचरण रहा है, इससे आने वाले पीढ़ी में नौजवान राजनीति करने से दूरी बनाएगा अपने आप को, क्योंकि ऐसा आचरण राजनीति में नहीं होना चाहिए।
कार्यक्रम तो किसी का सही नहीं है, ना आपके नेता का है ना उनके नेता का है, जो पहला विरोध तो फिर साथ क्यों? जिसका जिसका आचरण जिसका जिसका सुनिए ना बताते हैं, जिसका आचरण जैसा है देश की जनता और बिहार की जनता जानती है। आज जिस प्रचंड क्या बोलते हैं उसको, प्रचार के द्वारा या फिर तेजस्वी यादव ने अपने आप को स्थापित करने का काम किया है, देश देख रहा है, बिहार देख रहा है। बुरे आप बहुत बुरे हैं पलटू चाचा है। पूरा मीटिंग करके एकदम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एकदम मोर्चा खोले हुए है वो, अपने आप को मने हुए है, हम लोग थोड़ी उनको मिल गए। मेरा लड़ाई नरेंद्र मोदी से है, देख लीजिए। आपको बता देना चाहता हूँ, अति पिछड़ा का जो वोटर है वो तेजस्वी जी में सब निर्णय कर लिया है कि अब हमको तेजस्वी जी को ही नेता मान लिया, क्योंकि अब नीतीश कुमार कहीं के हैं ही नहीं, तो नीतीश कुमार के जितना भी वोटर है वो तेजस्वी यादव को पाले में आने के लिए तैयार हो गया है। वोटर कहाँ है, वोटर लोग कहाँ है बताइए, वोटर लोग कहाँ है? वोटर लोग निश्चित तौर पर जब 24 के मुहाने पर हम लोग खड़े हैं और 24 में जो है ना कब्र खोदने की तैयारी जनता कर चुकी है, 19 में भी यही दावे और दलीलें दी गई थी। निश्चित तौर पे 19 का दावा साफ हो गया था। तो उन युवाओं को आप अपनी बातों से नहीं ठग सकते हैं, उन युवाओं को ये जो जुमलेबाजी है जिसको आप स्वीकारते हैं वो तो चुनावी जुमला था। आपके नेता कहते थे कि टीचर लोगों से कि मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया अदा कीजिए, उनके लिए तालियां बजाइए, उन्होंने आपको नौकरी दी है, उन्होंने तो एक बार भी नहीं कहा कि हमने। स्वाभाविक बात है, शिक्षा विभाग किन के पास में था, और हमारे नेता का तो बड़कपन है ना, हमारे नेता ने अपना बड़कपन दिखाया कि जनता को कहा, उन शिक्षकों को कहा कि आप इनका धन्यवाद दीजिए, क्योंकि यही तो अवरोध पैदा कर रहे थे, यही तो रुकावट पैदा करने वाले थे, इनको बड़ा प्यार से मना के हम लोग लाए हैं, तो कम से कम उनको तो पुचकार के खुश कर दीजिए। निश्चित तौर पर हम लोग उस हर पहलू पर काम कर रहे हैं जहाँ से हमको सफलता मिल सकती है, जहाँ हम लोगों के बीच में जा सकते हैं। तो लोगों ने ये देखा है 17 महीने में जो तेजस्वी यादव की सरकार ने जो घर घर तक नौकरियां पहुंचाने का काम किया है। तीसरे चरण की भी हो गया, तारीख तय हो गई, कहा तो वो लोग रहे हैं कि जो लोग गुमान में थे कि भैया हम ही करवा रहे थे नौकरी, तो तीसरे चरण में नौकरी फिर कैसे आ गया? अब तीसरे चरण में तीसरे चरण में नौकरी आई नहीं, तो अब तो मजबूरी होगी ना, अब तुम करना ही पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे आप? एक व्यक्ति जो आपके साथ में आपकी बगल की कुर्सी पर बैठ रहा था, तब तो हम लगातार नियुक्तियाँ रिक्तियाँ पे रिक्तियाँ को भर रहे थे, और उनके जाते अवरोध कैसे पैदा कर सकते हैं, नौकरी कैसे बंद कर सकते हैं? इन्होंने पूरे देश में जगाने का काम किया है। वैसे सत्ताधारियों को सत्ता में बने रहने के लिए किस तरीके से हमको युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना होगा, उस महिलाओं के लिए उस घर तक रोटी पहुँचानी होगी, तो इन सब विषय को लेकर के हमारे नेता ने जो काम किया है वो मॉडल कहीं ना कहीं पूरे भारत में ये बनने जा रहा है, तो उसको तो रोक सकते ही नहीं है आप। बताइए खेला करने का क्रेडिट खेला करने का बहुमत आप जो बीजेपी कर रही है वही करेगी, उसका ही बार बार खेला होता है, वही खेला करता है, और वही खेला होगा जो नीतीश को बर्बादी का खेला होगा, नीतीश जी का उसमें बर्बादी होगा, उसी खेला में अब बर्बाद हो ही गए हैं। हाँ तो एनडीए के पास है, लेकिन फिर भी खेला होगा, अब दूसरे ढंग का खेला होगा, खेला यही होगा कि किस तरह जो है अपमान का बदला लिया जाए, जदयू से बदला लेने का पूरा जो है अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है बीजेपी, और उसी अपमान का बदला लेने के लिए वही खेला करेगी कि बीजेपी को पूरा बर्बाद कर, बीजेपी जो है पूरा जदयू आएंगे तो आप लोग उनका वेलकम तो कर ही लेंगे? नहीं नहीं, चाचा का जैसा अब हालत है उसमें अब इधर का कोई रास्ता उस्ता नहीं है, इधर अब आने का कोई चांस नहीं। हाँ बीजेपी बोलती थी लेकिन पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।